तो भाई मैच आ चुका है बांग्लादेश वर्सेस अफगानिस्तान का फर्स्ट T20। भाई आज आपसे हम एक चीज पूछना चाहेंगे, आखिर आपका इंटरेस्ट किस चीज में है ना। जैसे कि मान लीजिए कोई भी जो फैंटेसी टीम हम बनाते हैं, चाहे किसी एप्लीकेशन पे हो, आप किस में इंटरेस्ट ज्यादा लेते हैं, T20 में, ODI में, टेस्ट में, IPL में, किस में? जरूर कमेंट करके लिखिएगा कि भाई मेरा नाम ये है, मैं इसमें इंटरेस्ट लेता हूँ। ठीक है, आपका नाम और T20 या ODI जो भी हो, इंटरेस्ट किस में आपको, उसके हिसाब से आपका टीम बहुत अच्छा बनेगा और मैं भी हेल्प कर पाऊंगा आपको अच्छे से कि हाँ इसमें आप टीम किस टाइप से बना पाएंगे। ठीक है, तो बांग्लादेश वर्सेस अफगानिस्तान का मैच है T20, आइए स्टार्ट करते हैं यहाँ से। फर्स्ट सर, ठीक ना, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड सब आपको करके हम देंगे सर। ओके, इसलिए चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। प्लस में देख सकते हैं यहाँ पर 7 चीजें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ जो कि ज्यादा लोग जानते हैं। यहाँ पर चौथा आज यहाँ पर गायब है। ठीक है, अब चौथा क्या गायब आपको समझ में आएगा, आगे देखने को मिलेगा। ठीक ना, पहले बात कर लेगा मैच डिटेल्स, उसके बाद पिच एनालिसिस, स्पेशल बॉलर्स जो कि बहुत ही काम करेंगे, ऑल प्लेयर स्टेटस और प्लेयर बैटल और की प्लेयर SL GL दोनों टीम आपको साथ में मिलने जाएगा। तो एक वीडियो को लाइक कर दीजिए यहाँ से ही, ठीक है, जिससे कि अपना क्या बोलते हैं उसको, मेरे भाषा में बोले तो बोहनी बेटा बना रहे यार। अब देखिए आपको मैं जो टीम मैं देता हूँ टेलीग्राम पे देता हूँ, देख सकते हैं यहाँ पर, जो कि बिल्कुल फ्री प्रोवाइड में करता हूँ टीम आपके लिए। तो ज्वाइन करने का तरीका यही है नए लोग के लिए, जो वीडियो अभी चल रहा है सामने जिसमें मैं अभी दिख रहा हूँ आपको ना, यहाँ जस्ट नीचे एक आपको दिखाई देता होगा बांग्लादेश अफगानिस्तान का, वो ठीक है टाइटल कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मोर का ऑप्शन देता होगा, ये वाला मोर पे आप क्लिक कर लीजिए, उसके बाद डिस्क्रिप्शन खुल जाएगा, यहाँ पर नीचे लिंक दिखाई देगा, इस पर आप क्लिक कर लीजिए, टेलीग्राम का लिंक है। ठीक है, यहाँ पर ज्वाइन का ऑप्शन आएगा, फिर ज्वाइन कर लीजिएगा, आप मेरे टेलीग्राम ज्वाइन हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, एक यहाँ पर इमोजी लाइक वगैरह दे देना है, प्लस में यहाँ पर क्रिकेट एक्सपर्ट गुरु जी यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, जिससे कि आगे जो भी वीडियो हो आप तक धनाधन पहुंचता रहे, आप उसका लाभ उठाते रहे, फायदा उठाते रहे। जो भी मैं मतलब दिन भर रिसर्च करके ये पता वो पता करके जो लाता हूँ आप तक फ्री प्रोवाइड करता हूँ। ठीक है, उसके लिए एक लाइक वगैरह तो बनता है भाई साहब, है ना, जरूर कर दीजिए वीडियो में। अब देखिए पिच रिपोर्ट की बात कर रहा हूँ मैं, पिच रिपोर्ट ये है ना, ये वाला, ये पूरा ग्राउंड, तो एवरेज कितना 140 से 160 के बीच में यहाँ पर बन जा रहा है। हाईएस्ट स्कोर 210 पर 4 विकेट गिरा, ठीक है, T20 का भाई याद रखिएगा, T20 का, इन ODI कोई ना समझ ले, क्योंकि अभी बहुत सारे ODI टेस्ट से T20 सब एक साथ चल रहा तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। ठीक है, लोएस्ट स्कोर कितना है, 116 पे 9 विकेट, लोएस्ट बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं इसको, है ना, लोएस्ट 116 T20 पे 9 है तो बहुत अच्छा रन यहाँ पर थोड़ा बन जाता है। सूटेबल फॉर कितना है भाई, बैलेंस पीछे ज्यादातर, ठीक है, और यहाँ पर प्रेशर गेट मोर हेल्प, प्रेशर को थोड़ा सा मतलब हेल्प मिलता है। ठीक है, वो पिच नहीं है कि स्पिनरों को यहाँ पर हेल्प मिल रहा है, प्लस में लो स्कोर ऐसा नहीं है, दोनों है बैलेंस है। ठीक है, फर्स्ट इनिंग में 129 पे 10 विकेट है, 110 पे 4 विकेट, 189 पे यहाँ पर 4 विकेट, उसके बाद इंडिया 130 पे 2 विकेट है और 135 पे 10 विकेट है, 193 पे 4 विकेट, इस टाइप का दोनों का डाटा चल रहा है। ठीक है, फर्स्ट में, अरे सॉरी इंडिया का मैं बात कर, इंड लिखा हुआ है, इंडिया दिमाग में तो पूरा डाटा हुआ, वीडियो बना बना के सब ये हो गया। ठीक है, मतलब टू एंड इनिंग का, ठीक है, ये फर्स्ट इनिंग है, टू एंड इनिंग का। विकेट स्टेटस अगर बात करें यहाँ पर पेसर दो मतलब मैचों का डिटेल देख करके, तो भाई पेसर यहाँ पर 26 विकेट ले गया, स्पिनर यहाँ पर 7 विकेट लेकर गया। उसके बाद वेन्यू का है तो 8 मैच हुआ, एक मैच वॉन किया यहाँ पर बैटिंग वॉन और 7 मैच यहाँ पर बैटिंग वॉन किया, जो मतलब कि सेकंड बैटिंग करने आया, तो बहुत कमाल का चीज यहाँ पर जानने को अपने को मिल रहा है कि जो सेकंड बैटिंग करेगा उसका जीतने का चांसेस बहुत ज्यादा होगा, इसका 1% इसका 7% मान लेंगे सीधा, ठीक है, ज्यादा होगा। स्कोरिंग पैटर्न यहाँ पर देख सकते हैं, बिलो स्कोर 4 बार बना, मतलब 150 से नीचे 4 बार रन बन चुका है, उसके बाद बिटवीन 150 से 169 यहाँ पर 2 बार है और 170 से 189 एक बार है, और उसके बाद एवं 190 से ऊपर भी एक बार रन बना हुआ। तो ये कुछ डाटा था आज का, मतलब कह सकते हैं ये पिच का, ठीक है, ग्राउंड का, पिच का, स्टेडियम का, मैदान का, जो भी आप समझ सकते हैं अपने भाषा में। ओके, ये था, ये ग्राउंड अपना, ठीक है, ये इस टाइप का यहाँ पर पिच का था। अब ये देखिए रिसेंट मैच यहाँ पर जो हुआ उसकी बात है, भाई रिसेंट मैच 2018 में हुआ है T20 यहाँ पर, अभी बीच में कोई नहीं हुआ था। 2018 का ही मान लें अगर बैन वर्सेस विंडीज का, तो यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर 129 10 19 ओवर में, और उसके बाद यहाँ पर 130 10 ओवर में यहाँ पर, है ना। ये है विंडीज का टीम रे भाई। इसका सीधा आधा कर दिया। ये 19 तो यहाँ 10, सीधा बात खत्म, है ना। फर्स्ट इनिंग पेसर यहाँ पर स्पिनर एक विकेट ले जा रहे हैं, यहाँ पर देखिए पेसर लोग का थोड़ा सा ज्यादा मतलब कह सकते हैं वैल्यू दिया जा रहा है यहाँ पर, है ना। एक और मैच हुआ SL वर्सेस बैन का, तो देखिए 210 रन 4 विकेट 20 ओवर में, उसके बाद 135 यहाँ पर भी 10 विकेट का वादी बैन और 18.4 ओवर में मैच को खत्म, मतलब बेकार हार गया, चेस भी नहीं कर पाया यहाँ पर और उतना स्कोर बना भी नहीं पाया, दोनों मतलब काम नहीं। SL तो मतलब 210 रन, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे स्कोर बनेगा अफगानिस्तान का, मेरे हिसाब से स्कोर बनना चाहिए, हालांकि अफगानिस्तान का बहुत बुरा हाल कर दिया था,
बांग्लादेश अभी पिछला मैच में, मगर फिर भी वो चीज इसमें नहीं दोहराया जाएगा, ठीक है। रन बन से बनते दिखाई देंगे आपको, कौन बैट्समैन मारेगा कौन बॉलर मारेगा आगे आपको दिखाता हूँ, सबको समझाता हूँ, ठीक है, किसको टीम में लेकर के जाना किसको नहीं ले जाना है। लास्ट दो मैच को अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, तो किस टाइप के बॉलर को ज्यादा विकेट मिल रहा है, राइट आर्म फास्ट मीडियम को मिल रहा है, उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं ज्यादा फिर लेफ्ट आर्म फास्ट और लेफ्ट आर्म फास्ट मीडियम को दो ही मतलब बॉलर को ज्यादा विकेट मिलता है, जो कि इन दोनों को टीम में रखना पड़ेगा अपने को। बाकी इन लोग को मिलता है मगर कम कम मिलता है ना, उस टाइप का नहीं मिलता जितना मिलना चाहिए, इन लोग को मिला है सब मिला करके जितना बोले तो इतना इसको अकेले मिला होगा, बस इतना जान लीजिए, ठीक है, इस टाइप का। तो यही दोनों दोनों से अपना टीम थोड़ा सा ज्यादा दिखना चाहिए, बाकी इन लोग को भी रखना पड़ेगा जो अगर क्वालिटी का मिलता है तब। देखिए टोटल मैच अगर 9 हुआ यहाँ पर, तो यहाँ पर देख सकते हैं क्या है भाई, तो भाई यहाँ पर यहाँ बांग्लादेश 3 है, अफगानिस्तान यहाँ पर 6 बार मतलब जीता है, मतलब बांग्लादेश को हरा देता है, कहने का मतलब मेरा ये है, ठीक है। और यहाँ पर देख ही सकते हैं क्या है, बांग्लादेश लॉस, विन 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 विन, यहाँ पर देख सकते हैं अफगानिस्तान लॉस है, फिर विन विन विन, यहाँ पर लॉस है, मतलब बांग्लादेश बड़ा ताव वाला मूड में भी आया हुआ है, 4 बार जीता है बंदा, मगर हाँ अफगानिस्तान का हाथों रौंदा जाएगा मेरे हिसाब से। अब देखिए आपके लिए मैं लेकर के आ गया ये बल्लेबाजी, यहाँ पर 10% एक्स्ट्रा आपको दिया जाता है, प्लस में यहाँ पर चुनो एक टीम से 10 प्लेयर्स भी आप चुन सकते हैं बल्लेबाजी में, जो कि पहले नहीं था वो आ चुका है 3-4 दिन से, और यहाँ पर तो 10% एक्स्ट्रा मिल ही रहा है, मतलब जो भी डिपोजिट करिए 10% एक्स्ट्रा प्लस में, अभी आप हमारे लिंक से अगर डाउनलोड करते हैं तो 50 रुपये साथ में खेलने को मिल जाता है। तो कई तरह से मतलब सोने पे सुहागा वाला काम है, हर तरफ से आपको प्रॉफिट ही प्रॉफिट मिल रहा है, कहीं से मतलब छुपा नहीं है, ठीक है। अब ये देख सकते हैं इसकी मतलब खासियत क्या है इसमें, देखिए खासियत जो मेरे को है ना, ये देखिए 5175 में सीधे 10,000 का काम होता है, सिर्फ 2 लोग खेलते हैं, देख सकते हैं आप, है ना, सिर्फ 2 लोग में आप खेल के पैसा इतना निकाल सकते हैं, ये सब देख सकते हैं, सब 2 लोग वाला मैच है। मेरे को जो सबसे ज्यादा पसंद आता है यही सब पसंद ज्यादा आता है, मतलब कंपेयर करें अगर जीएल से तो, ठीक है, एसएल का टीम ही अच्छा है। और प्लस में उसके बाद एक और चीज में खास मिलता है, देखिए 5 लोग का टीम बनता है, ठीक है, 5 लोग का ही टीम बने, 5 बैटर आप घुसा सकते हैं, देखिए 1, 2, 3, 4, 5, आपको लगता है कि यही पांचों बैटिंग आज अच्छा करेगा, यह बैटर चलेगा पांचों, तो आप इसमें भी देख सकते हैं यहाँ पर 5175 रुपये लगा करके अपना 5 प्लेयर बना सकते हैं, सिर्फ 5 ज्यादा नहीं करना, कौन 11 को पंचायत माथा पर चलेगा घूमेगा, भाई अगर हो चलेगा तब हम जीतेंगे, ऐसा वैसा कुछ नहीं, 5 में आप अपना हिसाब किताब कर सकते हैं, 5 चला लीजिए काम हो गया, ठीक है, मतलब काम आसान हो जाएगा बल्लेबाजी से आपको, ठीक है। उसके बाद 10 रुपये में यहाँ पर 10,000 मिल जाता है बाजीगर लीग, ठीक है, यहाँ पर भी देख सकते हैं 2800 है ना, 10,999 सब है, बहुत तरह का लीग है जो कि एसएल के लिए स्पेशल कर सकते हैं, बल्लेबाजी के यूज कर सकते हैं, प्लस में 5 बैट्समैन 5 बॉलर वाला है, सब है, 5 ऑलराउंडर वाला है, इसका भी आप खेल सकते हैं सिर्फ 5 लेकर के, मेरे को बहुत ज्यादा मजा आता है, इसलिए आपको मैं रिकमेंड कर रहा हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में अभी डाउनलोड कीजिए और आज से ही इसको ट्राई करिए अगर के ये है क्या चीज, ठीक है। आप खुद सोचिए ना, जहाँ 11 लोग के बारे में आप सोचेंगे और काम करेंगे, चला नहीं चला, आप 5 लोग के बारे में सिर्फ सोच रहे, बस कितना अंतर होता है, बहुत अंतर होता है, ठीक है। ये देख सकते हैं यहाँ पर बांग्लादेश का कह सकते हैं प्लेइंग 11, ठीक है, पॉसिबल प्लेइंग 11 इसको मानेंगे, हो सकता है इसको आउट करके हटा कर दूसरा ले, तो ऐसा होता है इनके अंदर, ठीक है, इसको कोई नहीं रोक सकता। बाकी ये आप देख सकते हैं, और ये लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स, यहाँ पर राइट आर्म फास्ट मीडियम, ये जितना है सब यहाँ पर दिखाई आपको दे रहा है, ठीक है। चलिए अब इनके बारे में प्रेडिक्शन करते हैं, किसको आके टीम में रखना किसको नहीं रखना, ये कलर ठीक लगेगा भाई, ठीक ही लगेगा कलर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लिटन दास, इनकी बात करें भाई, तो 71 मैच टोटल T20 में खेलेंगे, यहाँ पर 1617 रन है और 22 का एवरेज भी इनका साथ में, ठीक है, हेड टू हेड में 6 मैच खेल के 90 रन बनाया, 15 का एवरेज है याद रखिएगा, और वेन्यू पे 1 मैच खेल के 6 रन बना करके 6 का एवरेज है, रिसेंट परफॉर्मेंस में 5 है 83 है और यहाँ पर 43 है 73 और 9 है। देखिए जीएल के लिए तो इसको 8 बनकर के लेके जा सकते हैं, क्योंकि जीएल में कभी यस तो कभी नो चलता ही चलता है, जीएल में कंसिस्टेंट जो चलने वाला बंदा है ना वो आपको जीएल कभी नहीं जीता सकता, जिताता है यही लोग, ठीक है। अभी 9 बनाया नहीं चलेगा, तो 3 मैच यहाँ पर एक बार ले लिए आप गलती से चल कर रहे काम हो गया, ठीक है, ऐसा करके आप ले सकते हैं इनको। अब रोनी की बात करें, 7 मैच में 200 रन है और उसके बाद यहाँ 28 का एवरेज है इनका, ठीक है, और यहाँ पर हेड टू हेड में कुछ भी नहीं है, वेन्यू पे कुछ नहीं है, रिसेंट परफॉर्मेंस में 14, 44, 67 और 24 और 9, अगर इन दिनों की बात करें तो ये 71 मैच है, ठीक है, यहाँ पर ये 7 मैच खेला है, इनका है 1617 तो इनका है 200 रन यहाँ पर चला गया था। मेरे हिसाब से तो भाई 28 का यहाँ पर एवरेज ठीक ठाक यही दिखाई दे रहा है रोनी, है ना, इनका सिलेक्शन परसेंट भी कम रहेगा, मगर ये है कि लिटन दास थोड़ा सा बड़ा प्लेयर बनता है, ये थोड़ा सा उतना बड़ा प्लेयर अभी हम नहीं मान सकते क्योंकि स्कोर भी नहीं किया हुआ है, मगर चलिए फिर भी मिला जुला के इन्हीं को प्रेफर करते हैं, ठीक है, क्योंकि इनके पास एक्सपीरियंस थोड़ा कम है, एक्सपीरियंस बंदे के पास ज्यादा है, ठीक है, उनको जीएल के लेके जाते हैं। अब नजमुल सैंटो को देखिए,
सेंटो, ओ सेंटो, यहाँ पर देखिए एवरेज यहाँ पर है 28 का और 5 का एवरेज हेड टू हेड में, ठीक ना, दोनों के मतलब टीम के बीच में जब मैच होता है तब। अवेन्यू पे तो कुछ नहीं है, रिसेंट परफॉर्मेंस में 4-2, 9-14, 47-9, 46-9 चलिए इस मैच में आप ले लीजिए मेरे कहने पर, ठीक है, सेंटो को, क्योंकि 2-3 मैच से देखिए फ्लॉप हुआ है। जीएल जो खेलने वाले वाकई में मतलब जो खुद से मेहनत करके जीएल खेलते हैं ना आप में से सब लोग, अब जो देखिए टीम यहाँ वहां कॉपी किया उसकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ, उनको नहीं बुझाएगा ये चीज क्या होता है, ठीक है, जो खुद से खेलते हैं बना करके टीम, एक आध दो चेंज यहाँ वहां करके मेहनत कर करते हैं, उनको समझ में आता है कि जो जीएल में 3 बार बंदा फेल होता है 14 बार उसका चांसेस बहुत ज्यादा होता चलने का, प्लस में ये T20 भी आ रहा है, ठीक है, तो हो सकता है ऐसा कि ये गाड़ी निकल जाए क्योंकि 28 का एवरेज इनका ओवरऑल रहता है नजमुल सेंटो का, तो इसलिए मेरे हिसाब से मेरे कहने पर आप जीएल में इनको लेके जा सकते हैं, मेरे टीम में आपको दिखाई देने वाला है, ठीक है। साकिब अल हसन, इनकी बात करें तो देख सकते हैं यहाँ पर 2345, बहुत मतलब बूढ़ा शेर अगर बोले हम तो कम नहीं है ये, ठीक है, इनको बूढ़ा शेर ही बोलते हैं, इसको थोड़ा सा क्लीन कर ले, चला ये तो बहुत बेकार सिस्टम है यार, कहाँ कहाँ सब चले आते हैं बीच में, है ना, बीच में डिस्टर्ब हो जाता है यार। तो देखिए 115 है यहाँ पर और 2345 रन बना हुआ है, 9 यहाँ पर 11 विकेट है साथ में, अवेन्यू भी एक मैच करके 0 विकेट है, 61 रन है मगर, ठीक है, रिसेंट में 0-6 पे 0-38 पे 5 है, ये तो बड़ा मामला कहानी गड़बड़ है, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स भी है, ऑर्थोडॉक्स का विकेट मिल ले रहा है, इनसे रन पता नहीं बन रहा है कि नहीं, एक मैच में 61 रन, बड़ा देखिए बड़ा प्लेयर है, बड़ा प्लेयर लोग को थोड़ा सा ड्रॉप भी करने में सोचना पड़ता है, समझे, तो मेरे को भी थोड़ा सा सोचने का टाइम दे दीजिए इनके बारे में, ठीक है, अभी इनको आप इम्पैक्ट में डाल के अपनी टीम में रख सकते हैं, बाकी इनको कन्फर्म नहीं करेंगे, देखिए इनको लेके जाना ना लेके जाना दोनों में मतलब कह सकते हैं भलाई है, अगर लेके जा रहे हैं चलता है तो ठीक है, नहीं लेके जा रहे हैं नहीं चला तो फिर तो मतलब बल्ले बल्ले है ना, क्योंकि बहुत सारे लोग लेके जाएंगे सीधा छट जाएंगे ऐसे, वो चीज होती है। अब उसके बाद की बात करें भाई 18 एवरेज है, हेड टू हेड कुछ नहीं, वेन्यू पे कुछ नहीं है, रिसेंट परफॉर्मेंस में 12-24-13 यहाँ पर भी कुछ मतलब क्या है इनको, मतलब लेना ही बेकार है मेरे हिसाब से। अफीफ हुसैन को अगर बात करें ये देखिए 24 नवाद है, 25 नवाद है, 3 है, 39 है और 2 पे 0 है। अफीफ की बात करें 5 में 62, इनको आप एक बार मतलब T20 का टीम बन रहा है इसको एक बार रख सकते हैं, क्योंकि सब स्पीड खेलने वाला होता है, आओ सनम हो जाओ सनम का सिस्टम इनके अंदर रहता है, ठीक है, 62 में 10,020 रन बना हुआ, मतलब 10,020 इतना रन बना के रखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद मेहदी हसन की बात करें तो 8 है यहाँ पर, 24-240 है मतलब, ठीक है, 23 मैचों में, वेन्यू पे एक मैच खेल करके रिसेंट परफॉर्मेंस में यही देख सकते हैं 0-4, 4 विकेट यहाँ पर है 20 पे, बाकी इधर नहीं है, मतलब कह सकते हैं मेहदी हसन मिराज को अगर लेना है तो थोड़ा सा रिस्क तो ले सकते हैं और नहीं लेना भी रिस्क है, क्योंकि बहुत कहते खतरनाक खेलता है बंदा, है ना, यहाँ पर देख रहे हैं 20 में 4 विकेट है, जिस दिन लिया लिया, जिस दिन नहीं लिया नहीं लिया, ऐसा भी है, जीएल के लिए एक बार ट्राई कर सकते हैं इनको, ठीक है। नजीम अहमद की बात करें तो यहाँ पर देखिए 33 है, 33 विकेट है ये, ओके, और वेन्यू पे तो कुछ भी नहीं है, रिसेंट परफॉर्मेंस में 0-0 कुछ है नहीं यार, मतलब ही नहीं बनता इनको लेके जाने का। मेहदी हसन तो वही हाल है मगर पिछला परफॉर्मेंस के हिसाब से लेकर के जा रहे हैं, ठीक है, अच्छा बंदा किया है पिछले में। तस्किन की बात करें तो यहाँ पर 52 में 48 है और वेन्यू पे तो कुछ नहीं है, रिसेंट परफॉर्मेंस में 1-3 यहाँ पर 4-2, मतलब तस्किन अहमद का मतलब बात ही अलग है, हर बार मतलब कुछ ना कुछ बंदा किया रहा है, वेन्यू नहीं खेला मगर है बंदे में दम, ठीक है, उसको लेकर जा सकते हैं यहाँ पर आप। सरफुल इस्लाम, इनको तो हमें मेरे हिसाब से CBC भी आप बना सकते हैं तस्किन को, ये सब देखते हुए देख रहे हैं 3-4-2-2 ऐसा विकेट मिलते जाता है, सही रहेगा, ठीक है। सरफुल की बात करें तो इनका देखिए 30 में 33 यहाँ पर है, वेन्यू पे तो कुछ नहीं है, रिसेंट परफॉर्मेंस में 1-0-0-0-1 यहाँ पर है सरफुल इस्लाम, हो इनको इम्पैक्ट में रखा जाए, ठीक है, अभी इनके बारे में मतलब गणना करना अच्छा नहीं है कह सकते हैं। मुस्तफिजुर रहमान की बात कर 83 में 100 है यहाँ पर, अब इनपे 2 में 1 है, रिसेंट परफॉर्मेंस में 0-0-1-1-1 है, तो बॉलर अच्छा भाई, ठीक है, 83 मैच में खेला पुराना है मगर परफॉर्म जो बोल सकते हैं वो चीज़ नहीं है, फिर भी अपने टीम में आप रखिए एक बार को, ठीक है, T20 रखते हैं एक बार को, ओके, देखते हैं क्या होता है। बाकी ये बेंच प्लेयर और उसके बाद स्टार्टिंग एंड डेथ ओवर कौन करने वाला, तस्किन अहमद है, शरीफुल इस्लाम है, उसके बाद साकिब अल हसन है और मेहदी हसन मिराज, शरीफुल इस्लाम और यहाँ पर देख सकते हैं मुस्तफिजुर रहमान, ये इंड करने वाला, बहुत ही कमाल का इंड वाला बॉलर, बहुत कमाल का था, कब जब इनकी टीम फर्स्ट बैटिंग कर लेना उसके बाद देखिए ये कितना कमाल करते हैं, बवाल हो जाता है फिर मतलब कह सकते हैं ना। उसके बाद देखिए ये प्लेयर बैटल है लिटन दास, ठीक है, इनको 3-3 लोग मतलब आउट करने वाले हैं, इनके मतलब बॉलिंग के सामने ये थोड़ा जूझते हैं, करेक्ट मतलब में रहिए, ये प्लेयर बैटल लाने का मतलब ये है, ठीक है। अब नबी के आगे कौन जूझता है यहाँ पर, नजमुल हुसैन सेंटो, ठीक है,
जूझते हैं कह सकते हैं, 13 बॉल पर 13 रन मार के एक बार में आउट हो जाते हैं। साकिब अल हसन को कौन परेशान करता है, तो ये सब देख सकते हैं, ओमराजी, जयंत और रहमान यहाँ पर है, दो दो एक बार, ठीक है। मुजीबुर रहमान को दो बार आउट किया हुआ है यहाँ पर, मुजीबुर रहमान देखिए है तो बड़ा प्लेयर, ऐसा नहीं है, देखना यहाँ पर भी है तो बड़ा प्लेयर, मगर अभी थोड़ा सा अपना परफॉर्मेंस थोड़ा सा बेहतर जूझ रहा है ना, तो आप चाहे तो उनको टीम में जगह दे सकते हैं पहले का मतलब वो देख करके कि हाँ इस टाइप का बंदा था वो, बाकी अपने हिसाब से, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर पॉसिबल प्लेइंग 11 कर सकते हैं अफगानिस्तान के, अब इनके बारे में समझते हैं किसको लेके जाना किसको छोड़ना है। रहमानुल्ला गुरबच की बात करें तो भाई 24 है, 5 है, 6 5 में 43 रन, अरे यार वेन्यू पे रिसेंट में 18 44 16 20 15। देखिए इनका कोई टारगेट नहीं रहता है, रहमानुल्ला गुरबच का आईपीएल में देखे होंगे कोई टारगेट नहीं, कभी 80-90 रन, कभी 20 रन, कभी 0 पे आउट, ठीक है। तो इनको अगर उस टाइप से आप लेना चाहते हैं औसनम जाओ सनम में, तो अपने टीम में बिल्कुल आप रखिए, और जीएल में तो मेरे हिसाब से होना ही चाहिए, औसनम जाओ सनम चाहिए ही चाहिए इसमें, एकदम चले तो चांद तक नहीं तो रात तक, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हंसी आया था यार ऋषभ के, मतलब ऐसा देख करके इनके सिस्टम जो है ना कुछ प्लेयर का उसमें लगता है यार कि यार क्या बात है। अब जज ही की बात करें, देखिए 30 एवरेज है, उसके बाद 34 का एवरेज है, रिसेंट वेन्यू पे तो कुछ नहीं है, रिसेंट परफॉर्मेंस में 27-1-7-0-21 देख रहे हैं, चलो ना कभी चांद कभी रात, वही वाला सिस्टम है कि नहीं यहाँ पर, क्या कर सकते हैं बताइए। ऐसे प्लेयर जो है ना दिमाग खराब करते हैं। अब इब्राहिम जदरन इनकी बात करें, देखिए 42 नबाद है, 27 है यहाँ पर, तो कुछ नहीं है विंडो पे, मगर रिसेंट परफॉर्मेंस में 3-38-9-60 नबाद अभी एक है, यो पर टीम में बनेंगे भाई, बनना पड़ेगा, लेना पड़ेगा, बड़ा प्लेयर है ना। अब यहाँ पर देखिए सिद्दीकुल्लाह की इनकी बात करें तो ये देखिए 1 है 11, फिर यहाँ पर एवरेज 11 है, हेड टू हेड कुछ नहीं, विंडो पे कुछ नहीं, रिसेंट परफॉर्मेंस में यहाँ पर सिर्फ 11 का ही कारनामा किया है, बाकी और कोई कारनामा नहीं किया है, ठीक है। नजबुल्लाह जदरन की बात करिए, जदरन वाला सिस्टम बहुत बेकार है भाई, जदरन जबरन जो है ना जबरदस्त सब, 21 है, देखिए 32 है यहाँ कुछ नहीं है, रिसेंट परफॉर्मेंस में नबाद 0 नबाद है, 32 नबाद है, 17 नबाद है, 1 है, फिर 37 नबाद। देखिए नबाद 3-4 बार रहना आम बात नहीं है, ठीक है। तो इनको आप टीम में लेकर चलिए, नबाद कब आबाद हो जाए कोई पता नहीं है। मोहम्मद नबी इनकी है तो भाई 17 पे 1 है, यहाँ पर 14 नबाद है, फिर यहाँ पर 38 नबाद पर 2 विकेट है, तो ये मोहम्मद नबी भी अपने टीम में फिट बैठते हैं, ठीक है। इनको भी लेकर चलना चाहिए, अफगानिस्तान से भाई रखना तो फिर रखना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पर करीम जंत की बात है, देखिए 6 है, 6 पर 14 रन है, वेन्यू पे कुछ नहीं, रिसेंट परफॉर्मेंस में 0 पे 1 है, 1 है, 56 नबाद पे 0 है, फिर 7 पे 1 है, अरे यार मूडे लहर गया भाई, क्या ही बताया। अब तो मतलब कह सकते हैं कारनामा जो है ना टेलीग्राम का टीम में ही होने वाला आपके लिए, ठीक है। राशिद खान इनको तो मतलब आंख बंद करके सभे लेके जाने वाले, कोई छोड़ेगा थोड़े ना, है ना, और छोड़ना भी नहीं चाहिए, क्योंकि देखें भाई साहब बंदे में दम है, विकेट तो विकेट प्लस में, जब बैटों हाथ में ले लेते तो फिर लगता नहीं कि वो बैट है कि बॉल है ना, गजब मारता है भाई साहब, और T20 में तो बहुत अच्छा है, बाकी और जगह तो एक बार सोच सकते हैं T20 में नहीं। मुजीबुर रहमान 41-53 है, 6-9 है, और वेन्यू पे तो कुछ नहीं है, मगर रिसेंट परफॉर्मेंस में 2 नबाद है, 0 है, फिर 2 है, फिर 0 है, फिर 0 है, देख रहे मुजीबुर रहमान, देखिए लेगा तो बंदा 2-2 विकेट लेगा, अगर लेते हैं आप अपने टीम में, नहीं लिया तब पर भी दिक्कत है 0 पे, है ना, अगर आप ले लिए टीम में और ले लिया विकेट तो फिर तो अलग ही बात है, ठीक है। तो दोनों तरफ से रिस्क है मुजीबुर रहमान को लेना ना लेना, ठीक है। फजल हक फारूकी 1-2-2 यहाँ पर 0-0 था, बाकी इधर अभी थोड़ा सा परफॉर्मेंस अच्छा बना हुआ है, 3-5 है, 22-26 है, ये सब ठीक है, मिला जुला के लेने के लायक टीम है अपना, ठीक है। फरीद अहमद इनकी बात करें, देखिए 1 है, फिर यहाँ 0-0, फिर 1, फिर 2 है, तो यार उतना खास 1-2 विकेट, 24-35 विकेट फरीद अहमद, चलिए देखता हूँ, ठीक है, टॉस के बाद देखता हूँ कौन आखिर बैटिंग कर रहा है पहले, उसके बाद समझ में आएगा, ज्यादा मजा आएगा। बेंच प्लेयर ठीक है, नूर अहमद वगैरह सबको बेंच में, नवीनुल्लाह बहुत खतरनाक, इस पर मतलब ये हम कहेंगे भाई कि अफगानिस्तान के बाद वाकई में मतलब प्लेयर है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर फजल हक फारूकी स्टार्ट करेंगे, उसके बाद ये अफरीदी यहाँ पर फरीद सॉरी अहमद इंड करेंगे, उसके बाद मुजीबुर रहमान भी इंड करेंगे, और राशिद खान और करीम जंत और फजल हक फारूकी यहाँ पर इंड करेंगे, ये स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर आप देखिए ये है बेंच, सॉरी प्लेयर बैटल, बाप रे इसका तो बहुत खतरनाक है भाई, बहुत बार इनको आउट किया कह सकते हैं। हजरतुल जजई 1-1-1-1 भाई विकेट, मतलब सभी लोग आउट किया है, अहमद सेंटो पंडो साहब देख रहे हैं यहाँ पर, हुसैन आफिफ हुसैन यहाँ पर, क्या ही बात करें यार, सबको मतलब आउट किया हुआ है, अच्छा 2-2 विकेट, एक विकेट मतलब
गुरबज को तो और सब आउट किया, इसलिए बोले गुरबज पे भरोसा नहीं है, मगर फिर भी हाँ चाहे ना में सिस्टम है, इनको थोड़ा सा कम लोग किया, इनको कम किया मोहम्मद नबी को, ठीक है। तो ये प्लेयर बेटर है, इनको भी आप टीम में अपने अपने हिसाब से मतलब टीम बनाना है अपने को, ठीक है, जिसके हिसाब से हम लोग बना के देते हैं आपको उसी हिसाब से बनाइए आप। स्टार्टिंग और इनकी मैं बात कर दूँ लास्ट में कि भाई डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम का लिंक दिखाई देगा, जिसको आपको जाके ज्वाइन कर लेना है लिंक पे क्लिक करके, ठीक है, जिससे कि हम टीम आपको सक्सेसफुल उस जगह पर दे पाए। अब तो हम सेफ टीम भी देते हैं, ठीक है, सेफ मतलब हमारा टीम होता है कह सकते हैं एक पैकेज में लिंक के द्वारा देते हैं, भाई लीजिए आराम से वहां से कॉपी कर लीजिए, क्योंकि ऐसा जो है ना सब जो मन तो उठा कर लेते थे, हमारा आप सही हो गया, ठीक है। अब बाकी अपने टेलीग्राम पे हम आपको एक आर्टिकल के माध्यम से भी वहां पर लिख के देने वाले हैं, प्लस में ये सब जो पीडीएफ होता है वो भी उसी में देने वाले हैं, सब चीज उसी में मतलब बॉक्स एक बना के दूंगा, उस पर सब चीज बंद रहेगा, ठीक है, टीम से लेकर के सब कुछ कर सकते हैं, कितना मजा आने वाला, सब कुछ मजा आएगा, ठीक है, बहुत मजा आएगा। तो जरूर टेलीग्राम पे आइए, सब कुछ फ्री सेवा है, ठीक है। चलिए फिर मिलो नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।